करीन बताओ, गाने बहुत अच्छे बन रहे हैं और इन्हें सवारना तुम्हें है, हाँ। तो अब किस तरह के गाने स्टेप देने वाले हो तुम आर्टिस्ट को? स्टेप तो बेसिकली मतलब अभी रिहर्सल पे ही, जो भी होगा रिहर्सल पे होगा, लेकिन गाने काफ़ी अच्छे हैं तो ये एक टफ चैलेंज दिया है मुझे इन्होंने कि गाने तो अच्छे रिकॉर्ड हो गए, अच्छे गा लिए, अब बचा है कोरियोग्राफी करना, तो एक बेटर कंपटीशन पकड़ के मैं चल रहा हूँ और अपना बेस्ट में बेस्ट करना चाहूँगा ये गाना, होप सो बेस्ट ही हो और मुझे शायद सारे लोगों की दुआ की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा किरण, काफ़ी बड़े और सीनियर्स के हाथों के नीचे से आए हो निकल के आप, हाँ। तो काफ़ी शोल्डर पे वजन रहेगा, क्योंकि अगर जब तुम कोरियोग्राफ करोगे कहीं ना कहीं उन लोगों की झलक जरूर देगी। हाँ, ये जरूर होगा कि कहीं ना कहीं जो भी बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के साथ मैंने काम किया उन लोगों की सारी झलक तो दिखाई देगी गानों में, ये तो फिक्स है, लेकिन मैं कहाँ तक खरा उतरूंगा वो कुछ आइडिया नहीं है मुझे अभी तक। मतलब गाने शूट होंगे, एडिट होंगे, फिर उसके बाद ऑडियंस कितने हद तक लाइक करती है वो मेन इम्पोर्टेंट है, बोलते ना मेन ऑडियंस के हद पे होती है गाने कितना लाइक करना। तो अभी इसमें हर तरह के जॉनर के गाने हैं और कोरियोग्राफर मेन आप ही हो, हाँ। तो काफ़ी जिम्मेदारी रहेगी किरण इन चीज़ों को निभाने के लिए। वही वही जिम्मेदारी समझ के मैं रिकॉर्डिंग में भी आया हूँ कि जैसे गाना बन रहा है, बोलते ना खाना, हम लोग होटल में जाते हैं खाना खा लेते हैं ऑर्डर करके, लेकिन मैं यहाँ पे किचन में भी घुस आया हूँ कि कैसे खाना कैसे बन रहा है देखने के लिए, तो ऑब्वियसली टेंशन तो है। फाइनली ऑडियंस से क्या कहोगे अपनी कोरियोग्राफी को लेके? प्लीज लाइक करना। थैंक यू।